हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक नई वीडियो। जी हाँ, टाइटल आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का वीडियो है हिना मेहंदी के ऊपर। काफी दिन हो गए हिना मेहंदी के ऊपर कोई वीडियो ही नहीं बनाया है, काफी दिन से हिना मेहंदी लगा नहीं पाई। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ नए तरीके से हिना मेहंदी को शेयर किया जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप किस तरह से इमरजेंसी टाइम में हिना मेहंदी को अपने बालों में लगा सकते हैं। देखिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आई बटन में वीडियो के लास्ट में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं कि इमरजेंसी टाइम में आप किस तरह से मेहंदी को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर आप उसी तरह से मेहंदी को लगा सकते हैं जैसे उस वीडियो में बताया है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इस तरह से अपनी मेहंदी को ट्राई कीजिए, अच्छे से टाइम दीजिए मेहंदी को लगाने में भी और प्रिपेयर करने में भी। तो आगे वीडियो में सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर मेहंदी को किस तरह से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको लेना है सूखा आंवला, और यहाँ पे हम आंवले पाउडर का यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही डायरेक्ट सूखे आंवले का यूज करेंगे। उसके बाद आपको लेना है पानी। पानी की क्वांटिटी मेहंदी के अकॉर्डिंग रखेंगे। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी का इस्तेमाल किया है, और अब ये जो भी आंवला है आपको इस पानी में मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद आपको इसे बॉईल होने के लिए रख देना है। आपको इसे तब तक पकाना है जब तक हमारा ये आंवला का छिलका अच्छे से अपना कलर नहीं छोड़ देता, हमारे पानी में इस तरह से कलर आ जाएगा। और ये जो आंवले का छिलका है शुरू में हार्ड होता है, लेकिन जब आप इसे धीमी आंच पे पकाएंगे तो इसका सारा कलर भी पानी में आ जाएगा और आंवला भी फूल के मुलायम हो जाएगा। तो धीमी आंच पे इसे अच्छे से पकने दे। जब इसका कलर पानी में आ जाए तो आपको गैस को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने पे छान लेना है। छानने के बाद आपको मेहंदी लेनी है। मेहंदी की क्वांटिटी बालों के अकॉर्डिंग रखेंगे, और ये जो हमने आंवला का पानी छाना है इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसे आपको अपनी मेहंदी में डालना है और मेहंदी को अच्छे से मिक्स करना है। ये प्रोसेस आप पहले दिन करेंगे, जिस दिन आपको मेहंदी लगानी है उससे पहली रात को आपको अपनी मेहंदी को भिगोना है, और मेहंदी को थोड़ा सा टाइट ही भिगो के रखें। आगे का प्रोसेस हम नेक्स्ट डे करेंगे मॉर्निंग में। तो देखिए, मैंने इस तरह की अपनी मेहंदी भिगा दी है और अब पूरी रात के लिए इसे रखूँगी। नेक्स्ट डे सुबह में आपको थोड़ी सी चाय पत्ती लेनी है 2 चम्मच पानी में, और चाय पत्ती का पानी इस तरह से बॉईल कर लेना है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था किस तरह से चाय पत्ती का पानी आपको लेना है, तो इस चाय पत्ती के पानी को बॉईल करें। देखिए मेहंदी का कलर किस तरह का आया है। पूरी रात रखने के बाद मेहंदी अच्छे से फूल के तैयार भी हो गई है और मेहंदी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब यहाँ पे ये चाय पत्ती का पानी जो हमने तैयार किया है इसमें हमें अच्छे से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा डाल के। इस तरह से जब हम इस प्रोसेस को करेंगे तो हमारी मेहंदी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। एक तो आपको टाइट और पतली का पता चल जाएगा, और दूसरी बात आपकी मेहंदी, जैसे बहुत लोगों को भिगोने की आदत नहीं होती है और अगर शुरू में ही एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे तो दिक्कत होगी, तो इस तरह से आपको पता भी चल जाएगा आपकी मेहंदी पतली है या फिर गाढ़ी है। तो आपको ज़्यादा गाढ़ी मेहंदी यहाँ पे नहीं भिगोनी है, थोड़ी पतली ही मेहंदी भिगोनी है और उसे ब्रश की हेल्प से आपको लगाना है। पाउडर हमने यहाँ पे इसलिए यूज किया है, पाउडर नहीं किया है, डायरेक्ट आंवला ही हमने बॉईल किया है, उसका वाटर हमने यूज किया है। तो एक तो आंवला पाउडर हमारे बालों को लंबा करता है, घना करता है, मजबूत करता है, हमारे बालों को झड़ने से रोकता है, हमारे बालों में एक नई चमक प्रदान करता है, हमारे बालों में कलर भी प्रदान करता है, और हमारे बालों में हेयर एजिंग की समस्या को भी कंट्रोल करता है। आंवला का इस्तेमाल हम अपने बालों को टोन करने के लिए कर सकते हैं, तो इसलिए हमने आज मेहंदी में आंवला का यूज किया है। मेहंदी का मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मेहंदी हमारे बालों को कंडीशनिंग का काम करती है, कलरिंग का काम करती है। हमारे बाल जब रूखे बेजान हो जाते हैं, उनमें कोई शेड नहीं बचती, उनमें कोई कलर नहीं बचता, तो उस टाइम पे अगर हम मेहंदी यूज करते हैं तो हमारे बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट से हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी शेड हमारे बालों में आ जाती है अगर हम मेहंदी यूज करते हैं तो।
इसे लगाना है 3-4 घंटे के लिए। मॉर्निंग में आप लगा लें और लगाने के बाद 3-4 घंटे बाद अपने बालों को वॉश करें। वॉश करना है आपको ताजे पानी से। जिस दिन आप मेहंदी लगा रहे हैं उस दिन अपने बालों में शैम्पू ना करें, शैम्पू नेक्स्ट डे करें। बालों को बस आपको ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा पानी डाल के अपने बालों की मेहंदी को साफ कर लेना है। और जब मेहंदी साफ हो जाए और आपको लगे कि बाल सूखने लग गए हैं, पूरे सुखाने भी नहीं है, पूरे गीले भी नहीं रखने हैं, जब लगे बाल हल्के हल्के ड्राई हो चुके हैं, उस टाइम पे आपको सरसों का तेल लेना है और अच्छे से अपने बालों में चंपी करानी है। 10-15 मिनट चंपी कराएंगे और अच्छे से अपने बालों को लपेट लेंगे पूरी रात के लिए, और नेक्स्ट डे आप शैम्पू करेंगे। इससे हमारे बालों में जो ड्राइनेस आएगी वो भी कंट्रोल हो जाएगी। जो हमारा होता है, बहुत लोगों का मिथ होता है कि हेयर फॉल होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, स्किन रूखी बेजान नहीं होगी और हमारे बालों की चमक भी बना रहेगा। और जो हमारा मेहंदी का कलर आता है वो हमारे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे ऑयलिंग करेंगे, डायरेक्ट शैम्पू नहीं करेंगे। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपको मैं कितना ही बोल लूं, हर वीडियो में मैं आपको बोलती हूं, लेकिन आप लोग कमेंट नहीं डालते हो, तो प्लीज अपने रिव्यू हमें बताया करो कि किस तरह का आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप इसको अप्लाई भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या बेनिफिट्स आपकी स्किन पे आ रहे हैं, क्या बेनिफिट्स आपके स्कैल्प पे आ रहे हैं। जब तक आप लोग शेयर नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा। ठीक है, फिर वीडियो को रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।